यहाँ पर अगला सवाल अपने पास है जी, वेदांत मेटल सेक्टर। भोला ठाकुर जी पूछ रहे हैं अभी लेना कैसा रहेगा, तो क्या सही समय है इसको लेने का? लोग कह रहे हैं कि मेटल सेक्टर के लिए ये तिमाही अच्छी रहेगी, तो क्या उस हिसाब से ट्रिगर है कोई? पता नहीं सर, मुझे मैं तो सिर्फ डेटा पढ़ के आपको बताऊंगा, और डेटा से मुझे कोई बहुत ज्यादा देख के कोई खुशी नहीं होती है। और खरीदने के लिए ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सारे मूविंग एवरेजेस का मतलब ये होता है कि वो आपको ट्रेंड डिफाइन करके देते हैं। तो जब हमारा ट्रेंड डिफाइंड है कि अभी वीकिश है, तो पहली चीज की उसमें खरीदने जाना क्यों है मुझे मालूम है क्या उसमें थोड़ा सा, एक क्योंकि वेदांत डिविडेंड देता रहता है, तो उसके कारण से वेदांत को लोग खरीदने के लिए ढूंढते रहते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रेंड इसका जब तक पॉजिटिव ना हो जाए खरीदना नहीं चाहिए। जस्ट इन केस किसी को अगर अटेम्प्ट लेना है, खरीदने का एक चांस लेना है, तो चूंकि शॉर्ट कवरिंग का सिचुएशन बन रहा है, तो आप 263 क्लोजिंग के स्टॉप लॉस से एक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन इसका मेन अप ट्रेंड आएगा 300 के ऊपर ही, एग्जैक्टली 299.7 पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप 300 मान लीजिए। 300 के ऊपर क्लोज हुआ तो फिर आपका 270 के स्टॉप से 10% का रिस्क है, 10% का रिवार्ड आ सकता है, 10-11% वो बेटर रहेगा सिचुएशन। आपको अटेम्प्ट जो भी करना है, स्टॉप लॉस तो 270 क्लोजिंग बेसिस पे ही है। म्यूट है आपका माइक्रोफोन, म्यूट है। ये पूछ रहा था कि ऊपर की तरफ जाने से पहले क्या एक बार को अभी ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है? कोई डब्ल्यू शेप तो नहीं बनाने जा रहा ये? अब 300 के नीचे सब कुछ पॉसिबल है इसमें, वीकिश चार्ट इसलिए कह रहा हूं कि जी 300 अभी एक सिर्फ माइनर शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, और ये शॉर्ट कवरिंग कभी भी खत्म हो सकती है। 280 पे खत्म हो सकती है, 289 पे खत्म हो सकती है, ये शॉर्ट कवरिंग कहीं भी खत्म हो सकती जी तो फिलहाल अभी 260 के आसपास का जो लेवल है, 200 कितना आपने, 60 ही बताया या 63-64 कुछ ऐसा बताया था? है। ये अभी अगर आपने ट्रेड करना है, चांस लेना है शॉर्ट कवरिंग पे, तो जो लो है ये लो है 262 का, दैट इज द जी स्टॉप लॉस। लेकिन ट्रेंड जी पॉजिटिव होगा 300 के ऊपर, अगर तब ट्राई करना है तो 270 ऑन क्लोजिंग बेसिस। जी चलिए, तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपना निर्णय लीजिए। क्योंकि आपने बताया तो है नहीं कि आपका नज़रिया क्या है, निवेश वाला ट्रेडिंग वाला, तो उस हिसाब से आप इसमें अपनी रणनीति बनाइए। जो सुमेश जी ने आपको लेवल्स बताए उनको ध्यान में रखते हुए, और साथ में अपनी पढ़ाई लिखाई खुद भी।